हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सैनी एक बार वापस आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ न्यू उड़ान क्लासेस के अंदर। सभी मित्रों का पहले न्यू उड़ान क्लासेस के अंदर सभी का हार्दिक स्वागत। अब मित्रों, जो हमारा टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का जो हमने पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ हमने बेसिक पॉइंट पढ़े थे, और उसमें ये समझा था कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, और उसको मैं वापस थोड़ा सा तीन पॉइंट मैंने बताए थे उनको रिपीट कर देता हूँ, ताकि पिछले वाले वीडियोस में जो हमने पढ़ा वो एक बार वापस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा दूसरा एपिसोड 1857 की क्रांति का। तो देखिए मित्रों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर से आगे ही स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। कंप्लीट मित्रों, अच्छे से देखते रहिए 1857 की क्रांति। अब हमने इसके पहले मित्रों कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे, उन बेसिक पॉइंट में हमने ये समझा था कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। उसमें मैंने आपको तीन कारण बताए मुख्य रूप से। पहला था सहायक संधि प्रणाली, अच्छे से याद रखना मित्रों, सहायक संधि प्रणाली। और ये सहायक संधि प्रणाली लागू की थी मित्रों लॉर्ड वेलेजली ने, अच्छे से देखते रहे, लॉर्ड वेलेजली ने ये संधि लागू की थी। आगे बढ़ते हैं तो हमने दूसरा कारण लिया था, वो था मित्रों, अच्छे से याद रखना, गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति मित्रों। और इसी के मैंने और भी आपको नाम बताया प्रीवियस वीडियो में, आपको याद होंगे, व्यपगत नीति। और ये मित्रों इसी का मतलब, इसी के तहत अंग्रेजों ने एक गोद निषेध प्रणाली पर रोक लगाई थी। और तीसरा जो मैंने तत्कालीन कारण बताया था मित्रों, वो था आपका, अच्छे से याद रखोगे, वो कारण था आपका वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट तत्कालीन कारण। उसका मैं एक पॉइंट दूंगा आपका, तत्कालीन कारण। और तत्कालीन कारण में आप याद रखोगे कि तत्कालीन कारण जो था वही जो मैंने आपको बताया है कि तत्कालीन कारण था कि गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, अच्छे से ध्यान रखना। ये हमने अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वो हमने देखा है, ये तीन पॉइंट देखे हैं अच्छे से। तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने तत्कालीन कारण पढ़े, इसके अलावा और भी कुछ कारण थे जिसमें धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, रंगभेद नीति का भी कारण था, तो खूब सारे कारण थे। पर तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, छात्रों, जो वो है आपका तत्कालीन कारण, इस बात का अच्छे से ध्यान रखे। अब ये हमने कारण पढ़ा 1857 की क्रांति का। अब हम अगला जो पार्ट लेंगे वो लेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि क्या कारण बने थे, और राजस्थान की बेसिक चीजें क्या थी 1857 की क्रांति के समय। तो देखते हैं मित्रों राजस्थान का पार्ट, जिस समय क्या पोजीशन थी। आगे बढ़ते हैं, हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के संदर्भ में क्या हुआ था 1857 की क्रांति में राजस्थान के अंदर, और 1857 की क्रांति में राजस्थान में अंग्रेजों की क्या प्रणाली थी, क्या योजना थी। तो अब स्टार्ट करते हैं विधिवत रूप से, देखते हैं मित्रों, अच्छे से देखना,
राजस्थान में क्या पोजीशन थी। तो मित्रों पहले हम बैक चलेंगे थोड़ा और ये समझेंगे कि अंग्रेजों ने राजस्थान के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कब क्या क्या किया। अब देखो अंग्रेजों का एक ही नियम था, वो एक ही भाषा बोलते थे, फूट डालो राज करो की नीति। तो अच्छे से समझो अंग्रेजों ने क्या किया था, राजस्थान के अंदर जगह जगह पर छावनियां स्थापित की और उसके पहले जो इनका मुख्यालय जो बनाया गया उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले मित्रों अंग्रेजों ने क्या किया था, राजस्थान यानी राजस्थान के अंदर राजपुताना एजेंसी नाम करके एक मुख्यालय खोला, राजपुताना एजेंसी। अच्छे से देखना, राजपुताना नामक एजेंसी का गठन किया, अच्छे से देखना, जो एक अंग्रेजों की एक एजेंसी थी। और अब तुम्हारे एग्जामों में सवाल ये भी पूछ सकता है कि राजपुताना एजेंसी का गठन कब किया गया प्लस इसका मुख्यालय कहाँ था। तो मित्रों राजपुताना एजेंसी का जो गठन किया गया वो था 1832 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अच्छे से समझना मित्रों, अच्छे से देखते रहिए, बने रहिए और समझते रहिए 1857 की क्रांति। एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे। अब सवाल अगर पूछे कि राजस्थान में राजपुताना एजेंसी का गठन कब किया गया तो सीधा हमें उत्तर देना है 1832 के अंदर। तो दूसरा ही क्वेश्चंस बनेगा, राजपुताना एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था। तो देखते रहिए मित्रों, अगली जो बात आने वाली है वो आने वाली है मुख्यालय से रिलेटेड। तो इस राजपुताना एजेंसी का जो मुख्यालय था मित्रों वो था आपका अजमेर में। कहाँ था, अजमेर में। अच्छे से देखते रहिए। अब मित्रों सवाल पूछेगा, राजपुताना एजेंसी का जो सबसे बड़ा पद था उस पद का नाम क्या था। तो याद रखना राजपुताना एजेंसी का जो पद था वो था AGG। अब तुम्हारे एग्जामों में कई बार AGG की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एक एक चीज हम पढ़ेंगे। तो याद रखना नाम आया AGG, तो याद रखना इसकी जो फुल फॉर्म है मित्रों, एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अच्छे से याद रखना, एक एक चीज मैं तुम्हें पूरी और विधिवत रूप से बताऊंगा। तो ये हो गई राजपुताना एजेंसी, स्थापना 1832। दूसरी चीज इसका मुख्यालय कहाँ, अजमेर। तीसरी चीज इसका पद जो था वो क्या कहलाता था, AGG। तो सीधा सवाल पूछेगा राजस्थान का पहला AGG कौन था, या राजपुताना एजेंसी का पहला AGG कौन था जब 1832 में इसकी स्थापना की गई। तो अच्छे से देखना, राजपुताना एजेंसी की 1832 में स्थापना की गई तब इसका जो आपके पॉलिटिकल जो AGG जो था वो अच्छे से देखना मित्रों, वो था मिस्टर लॉकेट। कौन था मित्रों, मिस्टर लॉकेट जो था ये तुम्हारे राजपुताना एजेंसी का पहला AGG था। इस बात को अच्छे से याद रखना। ये मैंने पढ़ाया तुम्हें राजपुताना एजेंसी यानी अंग्रेजों की पहली एजेंसी कब स्थापित की गई, इसका नाम क्या था एजेंसी का, और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, और दूसरी चीज इसका जो प्रमुख पद था वो क्या था, प्लस दूसरी चीज AGG कौन था।
अभी भी कुछ नहीं हुआ है। एग्जामिनर तगड़े तरीके से प्रश्न पूछेगा। अब पूछेगा वो अगला क्वेश्चंस क्या पूछेगा, उसके लिए मैं पहले तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। अब मित्रों मुझे आप बताइए कि अंग्रेजों का रंग कैसा होता है? खुद का गोरा होता है ना, बिल्कुल गोरा होता है, पर गोरे रंग के पीछे नहीं भागना है, याद रखना। गोरा रंग होता है, गोरे लोगों को गर्मी अधिक लगती है। और राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान की गर्मी तो पूछो ही मत। अगर मेकअप करके, अगर कोई लड़की मेकअप करती है और उसको 10 मिनट अगर धूप में खड़े कर देते हैं तो मित्रों उसकी असलियत और उसकी जो रियल खूबसूरती है वो 10 मिनट में पता चल जाएगी। राजस्थान की इतनी गर्मी है। और राजस्थान की गर्मी की बात करें तो मई और जून के महीने में कहा जाता है कि जैसलमेर के धोरों में क्या किया जाता, दूध के अंदर चाय की पत्ती डाल दी जाती है, शक्कर डाल दी जाती है, रेत में रख दी जाती है। कहा जाता है कि इतनी तगड़ी गर्मी पड़ती है कि कुछ समय बाद चाय तैयार हो जाती है। तो अच्छे से समझना, मैं ये बात यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। तो मित्रों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हुआ क्या था, राजपूताना एजेंसी का जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। अच्छे से देखना, अजमेर में था, पर अब 1845 में क्या हुआ, एक डिसीजन लिया गया और ये कहा गया कि भाई ग्रीष्म ऋतु के समय यानी गर्मियों के समय अंग्रेज लोग और अंग्रेजों का भी जो मुख्य पद है एजीजी वो अजमेर में नहीं रहकर ऐसे स्थान पर रहेगा जहां पर गर्मियों में भी अच्छा मतलब गर्मी नहीं लगती है, एक सम्मान वातावरण बना रहता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। तो कहने का मतलब सीधी बात कि 1845 में ग्रीष्म ऋतु के समय इन अंग्रेजों का मुख्यालय जो होता था वो मित्रों होता था माउंट आबू। अच्छे से देखना और यहीं से तुम्हारे एक एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, अच्छे से देखना। एक एक चीज पर हम प्रकाश डालेंगे और प्रकाश डाल के हर एक चीज का हम विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखिए सवाल यहां से क्या पूछा हुआ है उस पर हम ध्यान देते हैं। कंप्लीट, तो अच्छे से देखिए मित्रों सवाल क्या पूछा हुआ है। तो देखिए अच्छे से, जो सवाल पूछा हुआ है वो सवाल ये पूछा हुआ है कि 1800 या फिर पूछेगा 1857 की क्रांति के समय, देखना 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का स्थाई मुख्यालय कहाँ था। अच्छे से देखना मित्रों, ये तुम्हारे एक कांस्टेबल के पेपर में पूछा हुआ है, स्थाई मुख्यालय क्या था। तो स्थाई पूछे तो हो जाएगा तुम्हारा अजमेर, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, अजमेर। और एक पेपर में तुम्हारे क्या पूछा हुआ है अच्छे से देखिए, एक पेपर में पूछा हुआ है आपके कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय देखो एक शब्द चेंज होते ही पूरा उत्तर चेंज हो जाएगा, अस्थाई मुख्यालय कहाँ था वो हो जाएगा आपका माउंट आबू। अच्छे से ध्यान रखना मेरे मित्रों, एक शब्द चेंज होते ही सीधा उत्तर चेंज। कहने का मतलब पूरी चीज मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं, अच्छे से देखना। मैंने तुम्हें बताया कि राजपूताना एजेंसी का जो गठन किया गया वो आपके 1832 में किया गया। फिर मैंने तुम्हें बताया कि इसका जो स्थाई मुख्यालय जो बनाया गया वो तो बनाया गया था 1832 में,
अजमेर को। फिर 1845 में एक डिसीजन लिया गया और कहा गया कि गर्मियों के समय अंग्रेजों का जो अस्थाई मुख्यालय होगा वो होगा माउंट आबू। कहाँ होगा? माउंट आबू। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखें, ये दोनों पॉइंट और ये राजपूताना एजेंसी आपको 1857 की क्रांति के पहले पढ़नी है। एक एक चीज पढ़ेंगे। होता क्या है मित्रों, कई बार हम 1857 की क्रांति के अंदर 1857 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एग्जामिनर क्या करता है, 1857 की क्रांति के पहले कुछ बेसिक पॉइंट पूछ लेता है जो हमें पता ही नहीं होता है। तो देखो, हमने अभी जो पढ़ा राजस्थान के संदर्भ में कि अंग्रेजों ने 1832 में राजपूताना एजेंसी का गठन किया, इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर था, इसका एजीजी जो था एजेंट टू गवर्नर जनरल वो आपका पहला राजस्थान का मिस्टर लॉकेट था, और 1845 में ये डिसीजन लिया गया कि जो हमारा जो हेडक्वार्टर होगा वो तो फिक्स जो होगा, स्थाई जो होगा वो अजमेर होगा, और अस्थाई जो रहेगा वो रहेगा हमारा गर्मियों के समय माउंट आबू। तो अच्छे से ध्यान रखना। अब मित्रों, जो मैं अगली चीज समझाने जा रहा हूँ वो देखिए अच्छे से। मैं अगली चीज जो समझाने जा रहा हूँ वो पदों से रिलेटेड समझाने जा रहा हूँ। अब तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछेगा और पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय जी कौन था, जी यानी गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना मित्रों, 1857 की क्रांति के समय जो जी था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। कंप्लीट, अच्छे से ध्यान रखना। ये तुम्हारे भारत लेवल यानी केंद्र लेवल का होता है और ये एक ही था, यानी जीजी 1857 की क्रांति के समय जो था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। तो इन पदों से रिलेटेड ध्यान रखना। अब ये गवर्नर जनरल जो था ये क्या करता था, हर एक स्टेट में अपना एक एक एजेंट बिठाता था, तो इसके नीचे जो पद होते थे वो कहलाते थे आपके एजीजी। क्या कहलाते थे? एजीजी। कंप्लीट, जो अभी हमने पढ़ा। तो ये जो एजीजी जो पद होता था ये राज्य स्तरीय होता था, ये हमारे राजस्थान में भी था, अच्छे से देखना। अब मित्रों, अब ये एजीजी संपूर्ण राजस्थान में तो कंट्रोल कर नहीं सकता था, संपूर्ण राज्य में कर नहीं सकता था, तो ये क्या करता था, जगह जगह पर अपने एजेंट बिठाता था जो कहलाते थे पीए। क्या कहलाते थे मित्रों? पीए। और पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। अच्छे से देखते रहना, हमने ये संरचना पढ़ी है सिर्फ पदों से रिलेटेड। तो भारत का जो सबसे बड़ा जो पद था वो था जीजी, और पूछ ले 1857 की क्रांति के समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको उत्तर देना है लॉर्ड कैनिंग। और फिर राजस्थान से रिलेटेड पूछेगा तो ये पूछेगा कि राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय हमारा जो एजीजी जो थे वो कौन थे। तो याद रखना मित्रों, जो हमारे राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे मित्रों। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये एजीजी थे। तो देखो, यहां पर एजीजी से रिलेटेड हमने दो चीजें पढ़ी। राजस्थान का पहला एजीजी जो था मिस्टर लॉकेट था, और 1857
57 की क्रांति के समय जो हमारा एजीजी जो था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कंप्लीट, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो अच्छे से, अब एजीजी ने जगह जगह पर राजस्थान में अपने पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे। अब ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ कहाँ बिठा रखे थे इस चीज का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इन पॉलिटिकल एजेंटों से रिलेटेड भी सवाल पूछे हैं। तो अच्छे से, अब अगला पद एजीजी तो हो गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, अब इसके जो पीए पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो कहाँ कहाँ बैठे थे वो हम समझते हैं मित्रों अच्छे से। तो देखते हैं, देखिए, तो देखो अभी हमने लिया एजीजी जो पद हो गया वो था आपका एजीजी, और एजीजी ने जगह जगह अपने क्या बिठा रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट। कंप्लीट, जगह जगह पर अपने पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे। अब ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ कहाँ बिठा रखे थे वो हम अच्छे से देखते हैं। कंप्लीट मित्रों, एक एक चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, भागा दौड़ी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको एक एक चीज याद करवाएंगे और एग्जाम में भी आपके लगभग लगभग यहां से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एजीजी के जो पद थे वो आपके पीए के पद थे, और ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ कहाँ बैठे थे वो देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अच्छे से ध्यान रखना, जोधपुर में। कंप्लीट, जोधपुर। दूसरा जो बैठा था आपका उदयपुर। अगला जो बैठा था याद रखना जयपुर। अगला जो बैठा था वो आपका कोटा, और इसके अलावा याद रखना एक बैठा था सिरोही। कहाँ बैठा था? सिरोही। और एक जो बैठा था मित्रों वो बैठा था आपका भरतपुर के अंदर। कहाँ बैठा था? भरतपुर में। तो भरतपुर का भी हमें याद रखना है, ये पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे जगह जगह पर किसने, एजीजी ने, और एजीजी जो था याद रखना शॉर्ट में लिख रहा हूँ लॉरेंस था, और इसका पूरा नाम जो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अब इसी लॉरेंस के ये जगह जगह पर पॉलिटिकल एजेंट बैठे थे मित्रों। अब ये पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे वो अच्छे से देखिए। जोधपुर के अंदर जो था वो था मैकमोसन। कौन था मित्रों? मैकमोसन। कौन था? मैकमोसन, अच्छे से ध्यान रखना। कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि डायग्राम जो बने वो अच्छे से बने। जोधपुर का जो था वो था आपके मैकमोसन। कौन था? मैकमोसन। कंप्लीट। और इसके बाद अगर बात करूं तो उदयपुर का जो था वो था आपके मेजर सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स मित्रों। इसके बाद अगर आगे बात करूं तो जयपुर, तो जयपुर का जो था वो था कर्नल ईडन। कौन था? कर्नल ईडन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर कोटा की बात करूं मेरे मित्रों तो याद रखना कोटा का जो था वो था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। उसके बाद सिरोही की बात करूं तो मैं काफी जगह सिर्फ चार पॉलिटिकल एजेंट ही बताएंगे। यहां पर अच्छे तरीके से देखना कि मैं तुम्हें छह पॉलिटिकल एजेंट बता रहा हूं। अच्छे से देखिए, सिरोही, सिरोही में जो था मित्रों अच्छे से याद रखना जे डी हॉल था। कौन था? जे डी हॉल था।
कंप्लीट। इसके बाद अगर भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर के अंदर जो था मेरे मित्रों वो था मॉरिशन। कौन था? मॉरिशन। ये हो गए तुम्हारे जगह जगह के पॉलिटिकल एजेंट जो एजीजी ने अपने समय में बिठा रखे थे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, कई बार तुम्हारे एग्जामों में यहाँ से पूछा हुआ है। तो आज हमने तीन पॉइंट अभी तक पढ़ लिए हैं, पहले राजपूताना एजेंसी, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, राजस्थान का एजीजी, और राजस्थान में भी एजीजी के जो जगह जगह पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे वो पढ़े थे। अभी मैंने कोई विद्रोह स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जब हमारी नींव ही कच्ची होगी तो उस घर की, उस इमारत की जो मियाद होगी मित्रों, वो लंबी नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान रखना। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, दो पॉइंट और है, वो पढ़ने के बाद हम विद्रोह में चलेंगे। कंप्लीट। तो अब अगला पॉइंट क्या आने वाला? एजीजी हमने पढ़ लिया। अब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय कहाँ कहाँ छावनियाँ थी और कितनी छावनियाँ थी, कौन सी छावनियाँ थी, उन छावनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट जो आ रहा है, अच्छे से ध्यान रखना, वो आ रहा है आपका राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी। ये छावनियाँ जो थी मित्रों, अच्छे से ध्यान रखना, सीधा ही पॉइंट बन रहा है 1857 की क्रांति में राजस्थान की छावनियां, राजस्थान की छावनियां। कंप्लीट। अच्छे से देखिए और समझिए मित्रों, समझने का ही खेल है, वरना ये सभी चीजें तो तुम्हें किताबों में भी मिल जाएगी। तो अच्छे से देखिए कितनी छावनियां थी और क्या छावनियां थी वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो छावनियां थी, उन छावनियों की संख्या जो थी वो 6 थी। पहले हमें ओरली याद करना है, अब एक एक लेंगे। सबसे पहले जो थी वो थी नसीराबाद छावनी। कौन सी छावनी? नसीराबाद छावनी, नंबर 1। नंबर 2 बढ़े तो नंबर 2 जो छावनी थी वो थी आपकी नीमच छावनी, नीमच छावनी। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी जो छावनी थी वो थी आपकी देवली छावनी। चौथी अगर बात करें तो याद रखना मित्रों, चौथी जो छावनी थी वो थी एरनपुरा छावनी। कौन सी छावनी? एरनपुरा छावनी। और अगर पांचवी छावनी की बात करूं तो वो थी ब्यावर छावनी। कौन सी छावनी? ब्यावर छावनी। और छठवीं छावनी की बात करूं तो वो थी मेरे मित्रों खेरवाड़ा छावनी। कौन सी छावनी? खेरवाड़ा छावनी। तो ये आपकी मुख्य रूप से 6 छावनियां हो गई। अब इनमें भी यहां से ये 6 छावनियां याद करने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना मित्रों, तुम्हारे एग्जाम में सबसे पहले अगर प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की कितनी छावनियां थी, तो सीधा जवाब 6। अब दूसरा सवाल ये पूछेगा कि 1857 की क्रांति में कौन सी छावनियों ने भाग लिया और कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया, इस बात का भी ध्यान रखना। प्रश्न जो बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो क्वेश्चंस जो बन रहे हैं यहां से, दो बन रहे हैं, और दो क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं वो देखिए। क्वेश्चंस नंबर 1 कि कितनी छावनियां, तो सीधा उत्तर हमारा होना चाहिए कि 6 छावनियां।
कंप्लीट, और क्वेश्चंस नंबर टू कि कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया, तो वो हमें नोट लगाकर लिखना है नीचे कि ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिया, 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिया, इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे मित्रों। कंप्लीट, वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, अच्छे से देखना, ये चीज हो गई छावनियों से रिलेटेड। कंप्लीट, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमारी दो क्लासें हुई है और इन दो क्लासों में हमने जो पढ़ा है उसको ब्रीफली रिपीट करते हैं एक, और तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से याद दिला देते हैं कि भाई हमने ये चीज़ें पढ़ी। तो देखो शॉर्टली लिख रहा हूँ, सबसे पहले हमने कारण पढ़े, और कारण में भी मैंने तुम्हें ज़्यादा नहीं बताए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बनेंगे वो तीन कारण बनेंगे। तीन कारणों में मैंने सबसे पहले ली सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली अच्छे से देखना, और दूसरी जो चीज ली मैंने वो ली थी गोद निषेध नीति, और इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो तत्कालीन कारण पढ़ा था मित्रों, और तत्कालीन जो कारण था वो था आपका गाय और सुअर की चर्बी। कंप्लीट, गाय और सुअर की चर्बी, तो ये जो हमने पढ़ा ये कारण पढ़ा था पहले, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने राजस्थान के अंदर एक एजेंसी की स्थापना की थी, वो कब की थी, तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली बन रहा है राजपुताना एजेंसी, राजपुताना एजेंसी। मैं तुम्हें याद करने के तरीके बता रहा हूँ, तुम्हें पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बेसिक कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, अगर बेसिक पॉइंट याद हुए तो ऑटोमेटिकली उत्तर आ जाएगा। तो दो पॉइंट हमने ये पढ़े, तीसरा जो पॉइंट पढ़ा था याद रखना, इसी के अंदर स्थायी मुख्यालय अंग्रेजों का, और एक था अस्थाई मुख्यालय, अस्थाई मुख्यालय, ये हमने तीन पॉइंट लिए। फिर उसके बाद देखिए जो अगला जो आएगा अच्छे से देखना, 1857 की क्रांति के समय जीजी कौन था। कंप्लीट, और फिर पूछेगा कि एग्जाम के अंदर पूछेगा भी, तो जो अभी हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। कंप्लीट, तो इन दोनों चीजों को भी हमें अच्छे से याद रखना है, और ये जो थे मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कंप्लीट, और इसके बाद जो एजीजी हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कंप्लीट, ये हमारे पॉइंट जो हुए ये पदों से रिलेटेड हो गए, और फिर अभी हमने पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट पढ़े हैं और छावनियाँ पढ़ी है, तो ये पॉइंट अभी तक हमने ओरली पढ़े हैं, आपने लिख भी लिए होंगे और लगभग लगभग आपको याद भी हो गए होंगे, तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उस नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे प्रमुख विद्रोह, पहले प्रमुख विद्रोह पढ़ेंगे, प्रमुख विद्रोह के बाद जो छोटे मोटे विद्रोह हुए उनको पढ़ेंगे। कंप्लीट, तो अब तक हमने जो 1857 की क्रांति का जो बेसिक था
उसको अच्छे से देख लिया, एक एक पॉइंट को टच कर लिया। जो अब अगली क्लास जो हमारी होगी वो हम नसीराबाद विद्रोह से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय, मस्त रहे।